हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट के और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे, देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट की। दोस्तों, तो देखिए, ये मैंने चार्ट लगा रखा है इसका, और अभी स्पॉट प्राइस है 1615 रुपये। हम टारगेट डिस्कस करेंगे कब के लिए, 18 मई के लिए, 18 मई। तो सबसे पहले हम चलते हैं RSI पे। ये देखिए, RSI इसका 55.55 चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 30 to 80 RSI, 30 ओवरसोल्ड जोन, 80 ओवरबॉट जोन, और 57 जो है मिड में है। तो ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, ना तो ओवरबॉट जोन में है, राइट? तो यहाँ से कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, चार्ट पे क्लियर कट जो है मई में, देखिए 5 मई को 30 अप्रैल के बाद एक बाउंस बैक हुआ था 1114 और 12 रुपए पे, सीधा 1600 के आसपास गया। और यहाँ पे देखिए, सीधा यहाँ पे 6 मई के आसपास जो है ये रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। रेंज इसका ये है, अपर ऊपर के लेवल पे 1653 रुपए, नीचे के लेवल पे लगभग 1540, 1560, 1570 का लेवल है, राइट? तो दोस्तों, यहाँ पे आज शेयर में जो है लगभग 2% की तेजी एक बनी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अगर ये 1653, राइट, ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो इसके ऊपर के लेवल बनेंगे। ऊपर के लेवल फिर ये जो है कम से कम एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए 1415, लगभग 100 पॉइंट की, राइट? तो इफ ये 1630 क्रॉस किया तो आपको 1730 का टारगेट सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि 1630 के बाद बहुत तेजी से ऊपर भागेगा और कम से कम एक ग्रीन कैंडल 100 पॉइंट की बननी चाहिए। तो टारगेट 1730 फॉर 18 मई, और 1730 जो है टच किया सीधा 1800 का एक साइकोलॉजिकल टारगेट है, वहां पे जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।